इसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद भी हम लोगों ने एक ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन के बारे में वहाँ पे भी डिस्कस किया था, जिससे किसी कंपाउंड में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, फिर हम उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करते थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अच्छा, फॉर्मूले देखने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर भी केस कंसीडर किए थे कि अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल है तो कैसा होगा। वैसे यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। पहला केस यहाँ पे कंसीडर किया गया है, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अच्छा, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है उसके लिए कौन से केसेस होंगे, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है E इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n, 2 के पावर स्मॉल n, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू E प्लस n। ये E क्या है भैया, या देखिए यहाँ n जो यहाँ लिखा है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैपिटल N लिखता है, इसलिए मैंने यहाँ इसका मीनिंग लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो कैपिटल N बताता है, E क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स, और स्मॉल n बताता टोटल नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड, और स्मॉल n, ये स्मॉल n वही है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, वहां पे स्मॉल n था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो वही बोल दिया गया e इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n, ये बताएगा कि उस कंपाउंड में कितने इनेंसियोमर होंगे। अच्छा, मेसो बता दिया गया इस फॉर्मूले में कि मेसो जीरो है, क्या आप ये सोच पा रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल, और मेसो होने के लिए सिमेट्री का होना जरूरी है। इसीलिए अगर शुरुआत में डेफिनेशन में किसी ने बोल दिया कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो मेसो के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, इनेंसियोमर्स आएंगे। अच्छा, अगर इनेंसियोमर्स आ गया उसके बाद कैपिटल एन बोला गया है, ई प्लस एम, इनेंसियोमर और मेसो को आप जोड़ दीजिए, तो एम तो जीरो होने वाला है, तो यानी जो इनेंसियोमर्स आएंगे वही टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को बताएगा किसी भी कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल कुछ पिक करें, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, सपोज दैट सी एच थ्री, सी एच, सी एल, सी एच टू, बी आर, और ये सी एच थ्री। अब इसमें जरा देखिए क्या इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें अनसिमेट्रिकल है, लेकिन कहीं से आप कट करके दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड नहीं कर सकते, दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं स्मॉल n यहाँ कितना है, 2 है, स्मॉल n 2 है, इक्वल टू क्या आएगा, 2 के पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं मेसो कितना होगा, वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि आप बार बार ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी अनसिमेट्रिकल होगा तो मेसो 0 ही आएगा, और n क्या आएगा, n भी यहाँ पे आ जाएगा जो आपका e आएगा, यानी 4 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, 0। कोई भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल दिया, समझ रहे हैं, इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि अनसिमेट्रिकल था, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखा, जो स्मॉल n की वैल्यू पुट किया, इनेंसियोमर 4 आए, और इस तरीके से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है, इसमें जरा देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन है, तो दो कायरल कार्बन है, क्या सिमेट्री है कहीं से, नहीं सिमेट्री नहीं, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन अलग आ रहा है, ऊपर सी एच ओ, नीचे सी सी एच फाइव है, तो सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये बात हमें समझ में आता है कि कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, अगर हमें पता चल गया अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल के साथ और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन 2, तो वहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू e के पावर, e इक्वल टू 2 के पावर 2, यानी इनेंसियोमर कितने आ गए, 4। अच्छा, अब हम बार बार उस चीज़ को लिखें या ना लिखें, आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि मेसो हर हाल में 0 ही आएगा, समझ रहे हैं, मेसो हमेशा हर हाल में 0 ही आएगा, और बाद में टोटल कैसे आएगा, कैपिटल एन क्या आएगा, वो आता था इनेंसियोमर प्लस मेसो को जोड़ के,
यानी इनेंसियोमर कितने आए हैं, चार आए हैं, मेसो कितना है, जीरो, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, चार। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये फोर आएंगे। अच्छा, फोर आएंगे तो उसका सेंस क्या है, आपको समझ में आ रहा है? चारों के चारों आप बना भी सकते हैं। बनाने का मतलब क्या, एक बार इसी का मिरर इमेज लेंगे तो एक आ जाएगा, बिहार को पलट दीजिए और उसी का मिरर इमेज ले लीजिए तो आपका दूसरा वाला आ जाएगा, यानी चार आपको समझ में आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, सपोज दैट अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से, CHO, CL, OH, BR, H, 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 C2H5। जरा इसमें देखिए, क्या ये भी अनसिमेट्रिकल है? बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ऊपर CHO है, नीचे C2H5 है, तो ये सिमेट्री कहीं से आ ही नहीं सकती। तो ये भी समझ में आता कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, अनसिमेट्रिकल और तुरंत स्मॉल n क्या है, 3। स्मॉल n 3 है तो आप तुरंत इनेंसियोमर काउंट करेंगे 2 के पावर 3, यानी e की वैल्यू क्या है, 8। इनेंसियोमर 8 आए और हमेशा की तरह मेसो यहां पे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कैपिटल n क्या है, जिसे हम e प्लस m बोल रहे हैं, वो क्या आएगा, कैपिटल n इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि m 0 है, यहाँ पे m 0 रख देंगे, 8 रख देंगे तो मिला के आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर को काउंट करने के लिए उस मॉलिक्यूल में को आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल को पहचानना आपको आता है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल को। उसके बाद नंबर ऑफ पैरल कार्बन देख लेंगे कितने हैं, नंबर ऑफ पैरल कार्बन देख लेंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बात करें तो आप जानते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी होता है, लेकिन दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज के बारे में, अगर ये ग्लूकोज है, अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को CHO, CH, OH का होल 4 एंड CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर इसे फिशर फॉर्म में ड्रा करें तो फिशर फॉर्म में ड्रा करने के लिए आपको एक तरीका पता होना पड़ेगा। जैसे आपने इस तरह से ड्रा किया, 1, 4 यहाँ पे, यहाँ पे 5, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के हमने चेन बनाई। उसके बाद हमने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, ध्यान दीजिएगा 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, क्योंकि CHOH 4 टाइम्स है, ओके, ऐसे ड्रा किया। अब इसमें देखिए HOH का अरेंजमेंट, तो पहले वाले कार्बन में OH राइट साइड, पहले वाले, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में OH राइट साइड, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड, और बाकी दोनों में राइट साइड, ठीक है, और बाकी बची हुई है बैलेंसी को आप एच के साथ सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम एक जनरल फार्मूला, जनरल मेथड याद रखते हैं, RLR2। इसका मतलब क्या है, R का मतलब होता है राइट, L का मतलब होता है लेफ्ट, ये बात समझ में आता है। अच्छा, अब अगर इसको इसकी नंबरिंग में कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखिए 2, 3, 4, 5, ये जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें R एंड R का क्या सेंस है, इसे समझिए। R का मतलब है राइट, जरा देखिएगा यहाँ पे R का मतलब है राइट, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में OH है, इसीलिए बोला गया R। फिर L है, मतलब अगली वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में OH लेफ्ट साइड है, इसलिए L। अच्छा, R स्क्वायर का मतलब बाकी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में
दोनों तरफ राइट ही होगा OH, यानी R और L जो है राइट और लेफ्ट बताते हैं OH का पोजीशन इन फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर रिप्रेजेंटेशन में OH का पोजीशन बताते हैं R L R स्क्वायर। ये आपका करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ग्लूकोज का, याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आएगा। अच्छा, अब ये बात तो पहली बात हमें इसमें पता करना है इसमें कितने कार्बन है। तो आप देखिए जहां पे ये क्रॉस बना हुआ, हम लोग फिशर बड़ा कर रहे थे, हमने देखा था कि क्रॉस उतना ही बनाएंगे जितने कार्बन है। इसमें आपको चार कार्बन नजर आ रहे होंगे, 2, 3, 4, 5, ये चार कार्बन नजर आ रहे होंगे। सर चार कार्बन, पहली बात जो हम इसे जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे केस वन में अनसिमेट्रिकल के लिए, क्या ये अनसिमेट्रिकल है? सबसे पहले यही देखना कि अनसिमेट्रिकल है। बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो कहीं से सिमेट्री है नहीं। तो नो डाउट आप इसमें बता सकते हैं कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो ये बात समझ सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, अनसिमेट्रिकल के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। स्मॉल n की वैल्यू 4 है। अच्छा, आप स्मॉल n की वैल्यू 4 है तो 2 के पावर 4 रख दीजिए तो करस्पॉन्डिंग 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा, इलेन से होगा जो आपके आ गए वो 16 आ। व्हाट अबाउट मेसो? मेसो भैया आप जान रहे हैं कि बार बार मेसो 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे E प्लस N को ऐड करके लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी कैपिटल N आ जाएगा, 16 प्लस 0, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 16। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, कैसे पूछा जाएगा, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज आपके 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन ग्लूकोज 16, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन ग्लूकोज 16, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसियोमर, ये 16 टोटल है, अब पेयर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 16/2, 8, टोटल नंबर ऑफ मेसोफॉर्म 0, हमने चार क्वेश्चन आपसे बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या उसी को टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसियोमर या टोटल नंबर ऑफ मेसो, ये चार तरह के क्वेश्चन इस कंपाउंड में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ग्लूकोज का ही है। अच्छा, अब बोला गया अभी ये फ्रक्टोज भी होता है, ये फ्रक्टोज का ही फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा है। अच्छा, अगर ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है तो क्या चेंज है, दोनों चेंज क्या है, जरा देखिएगा। ये होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, ये होता है फ्रक्टोज। जरा देखिए, यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे CO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप, तो ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है अगर आप देखेंगे, लेकिन फंक्शनल रूप डिफर कर रहा है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आपका फिर फंक्शनल आइसोमर है, नो डाउट। अच्छा, इसका फिशर फॉर्म ड्रा करने के लिए जरा देखिएगा, फिशर फॉर्म ड्रा करने के लिए आपको CH2OH, क्योंकि ये तो कार्बन है नहीं, कीटोन ये भी कार्बन तो है नहीं। अच्छा, थ्राइस है आप, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी और लास्ट में CH2OH। अब मैं इसका कोड लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था RLR2, वैसे मैं इसका कोड लिख दे रहा हूँ LR2। जरा इसमें OH का पोजीशन अपने आप डिसाइड करें, LR2 यानी टॉप ऑफ द पे, L मतलब लेफ्ट साइड OH, रेस्ट ऑफ द OH राइट हैंड साइड और बाकी पे H अपने प्लेस पे आ। तो जरा देखिएगा, ये फ्रक्टोज, ये क्या था, ग्लूकोज था, ये है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है और ये क्या था, ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन ये है। अब फिर से इसके बाद देखना होता कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, क्या ये है, अरे नहीं ये नहीं है, क्या ये है, ये भी नहीं। यहाँ पे आपको ये कार्बन नजर आ रहा होगा, ये कार्बन नजर आ रहा होगा और
ये कार्बन जाएगा। फिर से आप नंबरिंग कर सकते हैं इसमें कितने कार्बन से, टॉप टू बॉटम 1 2 3 4 कुछ गलती हो गई, सॉरी एक छोड़ दिया, 2 यहाँ पे, 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन। क्या अब हम जो आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, केस वन वाला फॉर्मूला? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो आप देख रहे हो ये पार्ट कुछ अलग है, नीचे वाला कुछ अलग, ये अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के बाद आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पता चल गया कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के साथ स्मॉल एन क्या आया, 3। अनसिमेट्रिकल एंड स्मॉल एन 3। अब यहाँ इनेंसोमर आप बता दीजिए इक्वल टू 2 के पावर 3 यानी इक्वल टू क्या आ गया, 8। टोटल नंबर ऑफ इनेंसोमर आ गए 8। व्हाट अबाउट मेसो? फिर कोई बोला सर आप तो बार बार मेसो पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि 0 क्योंकि मेसो होगा ही नहीं। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एम प्लस ई यानी 8 क्या आ गया, 8। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट किया हम लोगों ने किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। मैं इसे क्वेश्चन आपके से कराऊंगा भी, लेकिन रिलेटिव क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो मैं आपको सारे बोल देता हूँ, आपसे समझ लीजिए या पॉज करके वीडियो को उसे आप मेंशन कर लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन आपको याद होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि इसका फिशर प्रोजेक्शन ओरिएंटेशन कैसा है हर कार्बन कार्बन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों में कितने कार्बन कार्बन ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज में टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने, फ्रक्टोज में टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने, ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लर्न होने चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तब भी वहाँ इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट शुगर जब पढ़ेंगे तब भी वहीं पर सबसे ज्यादा एनालिसिस इसका होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, बार बार ये चैप्टर में आपके साथ आए आपके सामने आएगा, तो इस स्ट्रक्चर को क्या आपको ढंग से पता होना चाहिए और इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे केस में आते हैं। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, यानी अब हम ऐसे कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं जब वो सिमेट्रिकल, If compound is symmetrical and contain even number of chirality symmetry, ध्यान दीजिएगा दो बातें यहाँ पे आ गई, सबसे पहली बात compound symmetrical हो और even number of chirality symmetry, एक बात ध्यान रखेंगे। अब chiral carbon को count करना है, साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो chiral carbon even है या odd है। Sorry, symmetrical and contain even number of chirality symmetry। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में होता है तो उसमें इनेंसोमर जो होंगे 2 के पावर n-1 होंगे, मेसो इस बार मेसो आएगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में इसके बोल दिया गया है दूसरे वाले केस के कि सिमेट्रिकल हो, अगर सिमेट्रिकल हो कार्बन कार्बन भी उसमें है तो डेफिनेटली मेसो होगा। मेसो इस बार कब होगा, n/2-1, और obviously total number आप stereo isomer आएंगे enantiomer और meso को add करें। एक example लिख करते हैं हम लोग, जैसे butane 2,3-diol, butane 2,3-diol का structure क्या होता है बहुत आसानी से आप जानते हैं, draw कर सकते हैं इसको, ये butane 2,3-diol का structure, जरा देखिए ऊपर वाले केस के साथ ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप पाएंगे तुरंत कि इसमें दो कार्बन कार्बन है, दो कार्बन कार्बन और सिमेट्री भी इसमें, दो कार्बन कार्बन है और ये सिमेट्रिकल भी है। अच्छा, कार्बन कार्बन भी है और सिमेट्रिकल भी है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखिएगा, हमें ये समझ में आता है कि भैया ये क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है एंड एन इक्वल टू क्या है, 2, जो हमें पता चलता है क्या है, इवन। तो अब जो फॉर्मूला रखा हुआ है इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
टू के पावर टू माइनस वन यानी इनेंसोमर कितने आ गए टू, इनेंसोमर कितने आ गए टू। व्हाट अबाउट मेसो, एम क्या है, एम जरा देखिएगा, टू के पावर टू बाई टू माइनस वन यानी एम इक्वल टू टू के पावर वन माइनस वन यानी टू के पावर जीरो यानी मेसो कितना आया वन, मेसो कितना आया वन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर हम इसमें देखें इसके साथ क्या आया एन ई प्लस एन जो कि आया टू प्लस वन यानी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना आया थ्री। तो आप देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ब्यूटेन टू कवर थ्री डायोल में कितने आया थ्री, एक इसमें आया मेसो और दो आया इनेंसियोमर, एक आया मेसो और दो आया इनेंसियोमर। क्या इसको अभी अगर आप देख रहे हैं हम ये पहले भी चेक कर चुके हैं। अच्छा अगर कोई इसको कहे सर मैं एक्सप्लेन चाहता हूं कि आप क्या ये तीन बना के दिखा सकते हो जो अपने फॉर्मूले से निकाला है, तो हाँ इसे आप बना के भी चेक कर सकते हो। कैसे जरा चेक करके बताइए, सी एस थ्री ओ एच ओ एच सी एस थ्री एच एच ये ब्यूटेन टू कमा थ्री डाई ऑल है, ब्यूटेन टू कमा थ्री डाई ऑल है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने ये फॉर्म बनाया इसी को शायद आप मेसो बोलते थे, इसी को शायद आप मेसो फॉर्म बोलते थे, अगर ये इसी को आप बोलते थे मेसो फॉर्म। अच्छा अगर आपने मेसो फॉर्म बना लिया क्या दूसरा वाला इनेंसियोमर फॉर्म बना पाएंगे, इनेंसियोमर फॉर्म बना पाएंगे जरा देखिएगा, इनेंसियोमर फॉर्म क्या होता था, एक दूसरे के मिरर इमेज होते थे, यहाँ पे ओ एच एच ओ एच एच सी एस थ्री ये हो गया, यहाँ पे ओ एच 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 यहाँ पे ओ एच सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। अब जरा देखिए जो ये दोनों बनाया ये दोनों क्या आपस में इनेंसियोमर नहीं है, ये दोनों आपस में इनेंसियोमर नहीं है, इनेंसियोमर ये दोनों आपस में इनेंसियोमर। तो आप देखिए एक मेसो आया और दो इनेंसियोमर आया तो वही तो टोटल यहां पे थ्री हम लोगों ने काउंट किया, यही तो टोटल थ्री काउंट किया जो हम लोगों ने यहां पे तीन बना के चेक करें। अच्छा यही पे अगर दो की जगह चार कार्बन कार्बन हो जाए छह कार्बन कार्बन हो जाए तो नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर बढ़ जाए, लेकिन सारे के सारे बना बना के काउंट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट हम आंसर बना सकते हैं। क्या समझ में आया, तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लें जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग टार्टरिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड में अगर आप देखें तो इसमें भी कार्बन कार्बन कितने हैं दो कार्बन कार्बन दो कार्बन कार्बन और कंपाउंड क्या है सिमेट्रिकल है, तो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें समझ में आता कि ये कंपाउंड क्या है सिमेट्रिकल और स्मॉल एन क्या है टू जो कि क्या है इवन। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इक्वल टू टू के पावर एन माइनस वन यानी टू के पावर टू माइनस वन यानी टू यानी इनेंसियोमर आपके कितने आ गए टू, मेसो कितने आएंगे टू के पावर एन बाई टू माइनस वन टू के पावर टू बाई टू माइनस वन टू के पावर वन माइनस वन यानी मेसो यहां पे क्या आ जाएगा वन। ठीक है फिर से वही क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सेम है तो जैसे ब्यूटेन टू कमा थ्री डाई और में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आए थे तीन आए थे, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे भी टू प्लस वन यानी कैपिटल एन यहाँ पे भी कितना आएगा थ्री है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन नहीं बदले। तो आप अगर देखें तो एक तो ये बना हुआ है तो दो और इसी के साथ आप बना भी सकते हैं, मेसो आपको बड़ा बनाया नजर आ रहा होगा तो मेसो फॉर्म बड़ा बनाया नजर आ रहा तो प्लस माइनस यानी इनेंसियोमर वाला फॉर्म आप बना सकते हैं।
इस तरह से। तो ये दोनों इनेंसोमर्स हो गए, ये मेसो हो गया, तो टोटल आपको ब्यूटेन 2.3 सॉरी टार्टरिक एसिड का टोटल 3 स्ट्रक्चर यहां पर नजर आ रहे हैं, ये टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर हम यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 कारक कार्बन नजर आ रहे होंगे, और आप यहां से अगर 20 से देखें तो एक सिमेट्री भी नजर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन जो कार्बन कार्बन 4 है सिमेट्रिकल है, यानी आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, स्मॉल n 4 है जो कि इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ इनेंसोमर 2 के पावर n माइनस 1 अप्लाई कर सकते हैं, 2 के पावर 4 माइनस 1 2 के पावर 3, यानी इनेंसोमर यहां पे टोटल 8 आ जाएंगे। मेसो अगर आप ये इंटरप्रेट करेंगे 2 के पावर n by 2 माइनस 1 2 के पावर 4 by 2 माइनस 1 2 के पावर 2 माइनस 1, यानी मेसो यहां पे आ जाएगा 2। दो मेसो आ गए और 8 जो है इनेंसोमर आ गए, तो कैपिटल n जो है जो e प्लस m आता था उसे आप 8 प्लस 2 यानी कैपिटल n जो है 10 आ जाएगा। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर आप 10 ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर गिवन कंपाउंड में 10 आ रहे। ठीक, अब 10 बना बना के चेक कर पाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट है, इसीलिए हम इस फार्मूले की हेल्प से इस आंसर को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड के आप टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर काउंट कर सकते हैं, बस वहां पे आपको केस अप्लाई करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि ये कौन सा केस है। अनसिमेट्रिकल है तो उसमें सोचना नहीं है, सिमेट्रिकल है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अब उसमें एक तीसरा केस आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड सिमेट्रिकल हो लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन। तो अगला केस पे वापस आते हैं, थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। If compound is symmetrical and contains odd number of carbon carbon, ध्यान दीजिएगा, symmetrical यहाँ पे भी हो, लेकिन क्या बदल रहा है? Odd number of carbon center, odd number of carbon center, ठीक है? पिछला वाला केस था symmetrical with even number of carbon center, तो इसमें formula थोड़ा सा लंबी हो गया है, समझना होगा। Enantiomer होगा 2 के power e minus, sorry 2 के power n minus 1 माइनस 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय, ये आपको क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ इनेंसोमर। मेसो क्या होगा? 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका अलग-अलग इनेंसोमर और मेसो आएगा, और ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर दोनों को ऐड करके आएगा। बाय चांस अगर यहां पे दोनों को ऐड करते हैं e प्लस m को और e और m की वैल्यू रखते हैं, ये पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, बस क्या रहा 2 के पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ये हमेशा सही है, लेकिन जब आपसे इंडिविजुअल पूछेगा कि किसी कंपाउंड में मेसो कितने होंगे, मेसो कंपाउंड कितने होंगे, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इनेंसोमर कितने होंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा, और टोटल के लिए तो आप इतना ही याद रखेंगे। तो चलिए, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा गया है, जरा देखिए क्या इस एग्जांपल को हम इस केस में कंसीडर करेंगे या नहीं। तो आप देख पाएंगे इसमें 3 कार्बन कार्बन नजर आ रहे होंगे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, 3 कार्बन कार्बन क्या सिमेट्रिकल भी है? हां, ये सिमेट्रिकल भी है। कहां से सिमेट्रिकल है? जरा इस बीच वाले एटम को एक प्लेन में रखिए, इस वाले एटम को एक प्लेन में, ठीक है, किसी प्ले आइटम को एक प्लेन में रख के आप उसे देख सकते हैं। इस बीच वाले कार्बन को एक प्लेन में रखिए, उसको कट कर दीजिए, तो ऊपर सेम मॉलिक्यूल, नीचे भी सेम मॉलिक्यूल, तो ये नो डाउट कि ये मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल। तो ये क्या है? ये क्या है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। एंड एन क्या है?
थ्री जो कि क्या है ऑड, स्मॉल एंड ऑड नंबर। तो जरा इसमें रखिए इनेंसियोमर कैलकुलेट करने के लिए 2 के पावर n की वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। जरा यहां पे देखिए 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 2 2 डिवाइड बाय 1 तो यहां पे आ जाएगा 1। जरा देखिए कितना आएगा 4 माइनस 2 यानी इनेंसियोमर कितने आएंगे, इनेंसियोमर यहां पे 2। इनेंसियोमर आपके कितने आए 2। अच्छा मेसो की जरा देख के बताइए इसने मेसो कितने आए, मेसो मेसो आएंगे 2 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 के पावर यहां पे 1 आ जाएगा यानी मेसो कितने आए 2। दो यहां पे मेसो फॉर्म में आएंगे और दो इनेंसियोमर आएंगे यानी टोटल नंबर आप कितने आएंगे, टोटल कितने आएंगे, टोटल जो आएगा वो n इक्वल टू e प्लस m आएगा यानी n इक्वल टू 2 प्लस 2 कैपिटल n इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा टोटल 4 स्टीरॉइड्स हमारा इस गिवन मॉलिक्यूल में। अब मैं चारों बना के दिखा नहीं रहा हूं लेकिन आपको मैं थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूं। अच्छा इस जो इस फिशर फॉर्म में ये बना हुआ है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या ये मेसो है, आई रिपीट जो पर्टिकुलर फॉर्म ये स्ट्रक्चर का अभी बना हुआ है क्या ये मेसो फॉर्म है। हाँ मेसो फॉर्म है, कैसे दो से ज्यादा एटलीस्ट टू कार्बन कार्बन मॉलिक्यूलर सिमेट्री, कम से कम दो लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन कार्बन कार्बन सिमेट्री है तो ये मेसो है अभी। अच्छा एक बात बताइए इसी में OH में इधर कर दूं या इधर कर दूं, मैंने बोला कि OH को इधर कर दूं या इसको इधर कर दूं तब भी क्या सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी। हां तब भी सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी, क्या तब भी मेसो होगा, तब भी मेसो होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बार यही और एक बार OH को इधर करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा मिडिल वाले की बात मैं कर रहा हूं, ऊपर वाले के एच और ओएच जैसे आपने छेड़ा तैसे उधर सिमेट्री गायब हो जाएगी, यानी यहां से इसको पलटेंगे तो अब भी एक कंपाउंड आएगा जो मेसो होगा। अच्छा दो मेसो आपको नजर आ गया, इनेंसियोमर क्या आएगा भैया एक ओएच को इधर कर दीजिए एच को इधर कर दीजिए एक आया और दूसरा उसी का मिरर इमेज है दो, यानी दो इनेंसियोमर आपको और दो मेसो मैंने आपको थिंकिंग प्रोसेस बता दिया है, आप चाहे तो आप उसे फिर से ड्रा करके देख लीजिए। ठीक है अगले एग्जांपल पे आते हैं, जरा देखिए क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन कार्बन सिमेट्रिकल भी है, सिमेट्री है तो जरा OH वाले कार्बन को आप एक प्लेन में रख लीजिए, इसको एक प्लेन में ले लीजिए, इसको एक प्लेन में ले लीजिए और यहां से आप प्लेन कंसीडर कीजिए और इसको यहां से कट कर दीजिए तो जो मॉलिक्यूल नीचे नजर आएगा यहां से जो पार्ट नीचे नजर आएगा वही पार्ट ऊपर नजर आएगा। जरा देखिए यहां से अगर सिमेट्री रखेंगे तो जितना नीचे उतना ऊपर, बात समझ आ रही। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल है, अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो सारे के सारे फॉर्मूले केस 3 वाले यहां पे एप्लीकेबल रहेंगे। सिमेट्रिकल एंड स्मॉल n इक्वल टू व्हाट 5, ध्यान दीजिए स्मॉल यहां पे n 5 है जबकि ऑड है और आप सारी वैल्यू यहां पे रख दीजिए 2 के पावर 5 माइनस 1 माइनस 2 के पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाय 2 2 यानी 16 डिवाइड बाय 4 इनेंसियोमर आपके आ गए 12। ध्यान दीजिएगा 12 इनेंसियोमर आ गए। व्हाट अबाउट मेसो, मेसो कितना आएगा 2 के पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 2 के पावर 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2 के पावर 2 मेसो आपके आ गए 4 4 आएंगे मेसो, समझ रहे हैं 4 आएंगे मेसो और 2 कितना आ गया सॉरी 12 कितना आ गया इनेंसियोमर। अब टोटल कितने आएंगे
टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा ई प्लस एम 16 प्लस 4 सॉरी 12 प्लस 4 यानी एन इक्वल टू आ जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 16 आएंगे इस वाले को। अब आप देख रहे हैं 16 जो है बना बना के देख पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये, इसीलिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं। आई होप तो बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन लिखा गया है, द फॉलोइंग कंपाउंड मे एग्जिस्ट टू और मोर स्टीरियो आइसोमर। ये कंपाउंड इसे बोला गया है ज्यादा से ज्यादा दो या दो से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर हो सकता है। अब ये कंपाउंड दिया गया आपको, इस कंपाउंड में बोला गया है सबसे पहला पार्ट इसमें है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना जो पहला पार्ट है। दूसरा बोला टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स क्या वो बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड, इसमें कितने मेसो फॉर्म होंगे वो बता रहा है। और लास्ट में बोला टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स, यहां पर पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स का जिक्र किया गया है। तो ये चार पार्ट क्वेश्चन के रिलेटेड आपको बातें बताना। तो सबसे पहले जो अभी तक तीन केसेस हम लोगों ने स्टडी किया है ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए, पहले आपको डिसाइड करना है ये कौन से केस का पार्ट है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो उसमें कोई केस सोचना नहीं, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो आपको सोचना है इवन नंबर ऑफ कार्निटी सेंटर के अबाउट और ऑड नंबर ऑफ कार्निटी सेंटर के अबाउट। तो अगर आप देखें तो एक कार्बन कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चार कार्बन कार्बन है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी केस इसमें आपको पहला और दूसरा वाला है, सॉरी कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन सेंटर। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है, टू के पावर एन माइनस वन। अच्छा एन माइनस वन जैसे पता चला आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया क्या, टू के पावर फोर माइनस वन, यानी ई क्या आ गया टू के पावर थ्री यानी एट। इनेंसियोमर कितने आ गए एट। व्हाट अबाउट मेसो, मेसो जरा देखिए इसमें मेसो देख रहा 2 के पावर n / 2 - 1 यानी 2 के पावर 4 / 2 - 1 2 के पावर 2 - 1 यानी मेसो कितना आया 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यानी कैपिटल n क्या होता है, वो होता है e plus n। e कितना आया है 8, एन कितना आया है 2, यानी कैपिटल एन जो आया है आपका क्या आया 10। अब यहाँ पे सारे डाटा आपके पास आ गए हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आंसर पुट कर दीजिए। बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यानी कैपिटल एन की वैल्यू वो आपका क्या आया है 10 आया। टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर यानी ई की वैल्यू क्या आया है 8 रख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ मेसो वो कितना आया है 2, वो आप 2 रख दीजिए। लास्ट वाले पार्ट का आंसर तो उसी बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसियोमर। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इनेंसियोमर अगर 8 आ गए हैं तो पेयर वाइज कितने होंगे 4, ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर, चार पेयर बनेंगे। तो इस पार्ट के ये चार अलग अलग आंसर है, ये चार ऑप्शन अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही बड़ा पार्ट कवर हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जब कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर जिसको कर रहा हो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसको कर रहा हो, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।